श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध अथ द्वितीयो अध्याय भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाड़ूर, त्रिड़ावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विवेद, पूतना, केसी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केकय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कोसल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। शेष भगवान ने विचार किया कि राम अवतार में मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वह जाने से मैं उन्हें रोक और वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्ण अवतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। विश्वात्मा, भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियाँ कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहाँ से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ हो जाओगी होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्वासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया।
भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से प्रकट कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को ना देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी ना थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आँख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से ना हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में, गर्भ में श्री भगवान हैं। जिसके भीतर भगवान हैं, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय, इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुरवाणी और
समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़े हैं, सत्व रज और तम। चार रस हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके जानने के पांच प्रकार हैं, श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और नासिका। इसके छह स्वभाव हैं, पैदा होना रहना बढ़ना बदलना घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल हैं सात धातुएं, रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। आठ शाखाएं हैं, पांच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि नवो द्वार खोंढर हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय। ये दस प्राण ही इसके दस पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर दो पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्म आदि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों ना हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रतिभक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निज जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीत जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं।
उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? प्रभो, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभावों को नष्ट करने वाला अपरोच ज्ञान ही किसी को ना हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। भगवान, मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभो, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभो, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभो, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है। इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता, सब अपनी अपनी मत के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम दशम स्कंधे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोर ब्रह्मादि कृत स्तुतिर्नाम द्वितीयो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।